સદાવ્રત કોલ છે ચલાલા કી શાદી બહુ ધામ ધૂમ સે મસ્ત ચલ રહી હૈ સબ લોગ મજા કર રહે પટાણા ગયા ફેરા ખતમ હો ગયા ફાઇનલ સ્ટેજ પે વિદાય ચલે ગયા ફાઇનલ સ્ટેજ પે આગે જાકે જો જો ભી ચલાલા મેં જાન લે ગયા ના હમારે કાઠરોડે પરિવાર મેં વો ધમાલ મચાયેગા બહુ એન્જોય કરેગા આજ ભી હમેં બહુ હી અચ્છા લગા और चलिए अभी विदाई की तरफ चलते हैं। सबकी आंखों में घोट भर जाएगा, जैसे जब भी खुद की विदाई होती है तब क्या क्या लगता है ये सबको पूछते हैं। तो विदाई तरह क्यों लागे, वो मजा आवे विदाई रखते हैं। बहुत मजा आवे
અમને હરખ દે લો કે કાઈ પણ પૂછું ને એ ભી મજા આવે ઓ મજા આવે અમને રમવાની ભી મજા આવે એને એને ઘરે જ જાય છે ને એમાં હું વાંધો એમાં હું વાંધો મજા આવી ગઈ ને બાકી કાલે વિડીયો જોયો ને હા માણસુરતી મોકો મળે નઈ હા શાદી મેં એ લોક નહીં હોતે ને તો શાદી ફીકી પડ જતી અને તમારે જેવું હોય ને તો જ મજા આવે લગ્ન કરવાની તો જ મજા આવે ચપલટી આવવાનું નીચે નું આવવાનું આવવાનું જ हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। तो अभी बजे सुबह के 5:30 और मैं आ गई किचन में। ये भी सुबह सुबह उत्तपम बन रहा है क्योंकि रोही को लेके जाना है लंच बॉक्स में। तो चलो अभी उत्तपम बनाते हैं। रोही है यहाँ पे उठी है लेकिन उसको बहुत नींद आ रही है। मम्मी थोड़ी देर सोने दे, थोड़ी देर सोने दे। कल हाँ बहुत अच्छी अच्छी कमेंट आई थी, सबकी मैरिज में गए थे और मैरिज में भी बहुत मजा आया, सब ने बहुत धमाल मजा आया। और कविता दीदी है ना, वो भी बहुत अच्छे है। और पता नहीं, हम पहले मिले भी नहीं थे, उसकी शादी में मिले थे लेकिन पहले कभी नहीं मिले थे। और अभी इतने मतलब फ्रेंड हो गए ना, क्या पूछे बात, इतना मस्त मतलब बॉन्डिंग हो गया है उसके साथ मेरा, तो मजा आता है। और चलो अभी फटाफट बनाते हैं अभी खाना, यम्मी यम्मी। तो चलो अभी रोही लेके जाएगी और एंजॉय करके खाएंगे मस्त मस्त। बच्चे को हर रोज कुछ अलग अलग ही लेके जाना होता है, मम्मी एक खाना है, मम्मी वो खाना है, लेकिन मतलब भाखरी रोटी तो अच्छी नहीं लगती, इडली है और उसके बाद उत्तपम है, वो सभी अच्छा लगता है। उठी है और अभी पूजा में बैठ गई है नहाने से पहले। आरोही जे जे भाखरी का दूध रेडी कर दिया है मैंने और यहाँ पे आ गई किचन में। भाखरी भी बन रही है दर्शक की, क्योंकि
सबसे बाद लच्छों की भाखरी बनती है, सब हम सब पहले खा लेते हैं, बाद में वो खाते हैं, उसके बाद आरोही खाती है। और यहाँ पे देखो थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है पूरा, और आरोही का भी खाना चल रहा है, दर्शक का खाना भी ऑलमोस्ट सबका रेडी हो चुका है। तो रूही गए स्कूल, तो यहाँ पे देखो दोनों बाप बेटी दोनों मस्ती के मूड में है और खाने के भी मूड में है। देखो अभी दोनों अभी खा रही उत्पम, आरोही को ऐसा नहीं है वो नहीं खाना ये नहीं खाना सब खा लेती है। रूही जब छोटी थी ना तब बहुत परेशान कर रही थी, ये नहीं खाना है वो खाना है, आरोही को जो भी दो सब खा लेती है, तो अच्छा है। रोही को भी अभी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, अभी उसको लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, आरोही को सब अच्छा लगता है, ये सब खा लेती है, ये सब खा लेती है। और किंजल आज पूरा ब्लॉग बनाएगी और एंड हाँ आज मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ, क्योंकि दर्शक फार्म पे जाने वाले है, तो मेरा कैसा लगता है वो भी कमेंट करो। तो चलो अभी किंजल बनाएगी, क्योंकि मैं जो है बाहर का फार्म का पूरा काम रेडी करना है, उस माझी का घर का काम अभी चल रहा है। उत्तपम उत्तपम भूख लगती ना तब जो भी दो सब खा लेती है आरोही, है ना आरोही? कल पूरा ओट सूजन गया था, वो आपको नहीं बताया, 5 मिनट में इतना सा ओट इतना हो गया, फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए, दवाई दी तो अच्छा हो गया, सूजन चला गया, मतलब कुछ अच्छा है, कुछ को मतलब मिट्टी में काटा होगा ऐसा लगता है, ऐसा है। और किंजल का ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, धीरे धीरे उसको मजा आ जाएगा ब्लॉग बनाने में। और मैं थोड़ा फार्म पे, मेरा थोड़ा क्रिएटिव है, वहाँ पे काम करूंगा, उस माजी का घर अभी बन रहा है, जयहो विलेज का काम है, तो घर पे मुझे अभी थोड़ा कम रहना पड़ेगा, तब तक आप 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो, बाद में हमारा शादी देखना है। हाँ शादी तो और मजा आ जाएगा, जैसे पिछली आपने शादी देखी, फटाना बटाना ये धमाल मचाया सब लोगों ने, उसी तरह हमारी शादी भी मस्त होगी, बस 1 लाख सब्सक्राइबर देखो अपने आप खाने लगे, देखो भूखी इतनी लगती है ना आरोही को, जब भी मैं बाहर आती हूँ तब मम्मा किचन में जाना है, उसको भूखी लगती है पूरे दिन। और काफी लोगों ने हमारे फार्म पे अभी से बुकिंग करना शुरू कर दिया, एक बार हमारा नाम पहले लिख लो। ओहो, मैंने तो अभी अभी हम बुकिंग नहीं कर सकते, अभी तो हम वहाँ पे शुरू कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जो जो काम करेंगे उधर आपको बताते जाएंगे, उसके बाद आप आएगा, मैं सबको इन्वाइट करूंगा, आप हमारी फैमिली है तो आपको तो पहले बताना चाहिए, एंजॉय करने के लिए आपको बुलाएंगे, मजे करेंगे और पूरा नेचर दिखाएंगे। और वहाँ पे सिंह बहुत आते हैं, हाँ। हमारा जो पीछे का भाग है ना वहाँ पे बहुत ज्यादा सिंह ऐसे आते हैं और गर्जना भी करते हैं, तो हाँ, लाइव वहाँ पे देखेंगे, सिंह दर्शन का भी थोड़ा आयोजन वहाँ पे करने वाले हैं, जो आपको दिखेगा ऊपर से, तो कुछ क्रिएटिव घरे लगे मैंने तो त्यां त्या देशो ते तो एटलू सरस करो, पर घरे नहीं गमे तमने दर्शक तो नहीं लाई जाइ कायम माटे एक दिवस माटे आठो मारवा। आरोही बहुत ही मस्त क्यूट क्यूट लग रही है, चश्मे उसके लिए मंगवाया था, क्या मस्त लग रही है देखो, चकाचक ऊपर जो तो अरे क्यूट क्यूट लागे जो, क्यूट क्यूट लागे जो। लागे जो ने कही ये डैमली आरोही का रूही का चश्मा है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छा लगता है। आरोही सो देखा है पोज आपे भाजी पोज आपे पोज आपे चलो आमो भी रे ले वाह आम नीचे रखो हाँ देखो इसने अदा फाड़ी तो इसने भी फाड़ी आम रखो आम ये हाँ देखो पोज देती है अभी से बीजो पोज आप तो आम रखो आम हाँ ये हाँ कितना पता चलता है उसको आम रखो अरे वाह अरे वाह कितना अलग अलग उसको नखरे करना मजा आता है अरे वाह मस्त अलग अलग पोज देती है उसको मजा आता है। यहाँ पे रखो आरोही यहाँ पे रखो यहाँ खाना ही होता है आरोही जब उठती है ना तब खाना ही होता है का पापा भूख लागे એટલે आज का ब्लॉग हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और शादी में आपको 5 पार्ट में लेकर आया, बहुत ही एंजॉय किया आप सब लोगों ने, बस यहाँ पे देशी फटाना आमने सामने धमाल मच गई, आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बस घर का रूटीन यहीं पे चलता रहेगा। कल से माजी को हम जो श्रीफल फोड़ के जो पाया का काम है वो शुरू कर देंगे, अभी तक जो भी है वो क्लीनिंग हो चुका है, फार्म पे क्लीनिंग बाद में अभी करना शुरू हो जाएगा 2 दिन के बाद,
बस उसी तरह हमारा डेली ब्लॉग आपको एंजॉय करवाते रहेंगे और धमाल मस्ती होती रहेगी, ठीक है। तो बस कल कुछ नए धमाल के साथ वापस मिलते हैं, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।